सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज फॉर अपकमिंग आईसीसी बोर्ड एग्जामिनेशंस इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद जीएसटी। पहला क्वेश्चन, फॉर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन आईजीएसटी विल बी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिया हुआ 100%, 75%, 50% एंड 0%। अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन द बायर एंड सेलर विद इन द सेम स्टेट। इसका मतलब है कि एक ही स्टेट में बायर और सेलर दोनों है, तो फिर जो हमारा आईजीएसटी का कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, बिकॉज कोई आईजीएसटी उसमें लगेगा ही नहीं। बिकॉज इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में, मतलब कि जब ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट होता है, तब फिर सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, यानी कि 0%। सो दिस विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे कोई भी आईजीएसटी नहीं लगेगा। अगर ये क्वेश्चन इंटर स्टेट होता फॉर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, तो फिर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन यानी कि अगर बायर और सेलर दो अलग अलग स्टेट्स में है, तब उसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उस केस में सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। दैट मींस कि जो पूरा का पूरा जीएसटी अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। उस केस में आईजीएसटी होता 100%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी इन टोटल जीएसटी फॉर इंट्रा स्टेट सेल। परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी इन टोटल जीएसटी फॉर इंट्रा स्टेट सेल, इसका मतलब कि अगर कोई सेल इंट्रा स्टेट, मतलब कि विद इन द सेम स्टेट बायर और सेलर दोनों है और सेल हो रहा है, तब फिर जो टोटल जीएसटी का अमाउंट होगा उसमें से एसजीएसटी कितना होगा। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर विद इन द सेम स्टेट सेल हो रहा है, तब फिर जो टोटल जीएसटी है उसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है एस सीजीएसटी और बाकी का आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है एस एसजीएसटी। तो इसका मतलब कि टोटल जीएसटी के शेयर में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट, तो 50% सीजीएसटी होगा और फिर बाकी का 50% एसजीएसटी। तो इसका आंसर होगा 50%, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ डीलर परचेसेस गुड्स वर्थ ₹6,000 एट 18% जीएसटी, फाइनल अमाउंट पेबल इज। तो एक डीलर ने गुड्स परचेस किया वर्थ ₹6,000 18% जीएसटी रेट पे। व्हाट इज द फाइनल अमाउंट पेबल, यानी कि टोटल जीएसटी को मिला करके उसको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ा इस गुड्स के लिए। तो इसका जो आंसर है, वैसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऑप्शंस को देखे समझ में आ रहा है कि बिना कैलकुलेट किए ही हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। तो थोड़ा सा अगर इसको क्रिटिकली सोचा जाए तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम 6000 में टैक्स ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो 6000 या 6000 से कम नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन 6000 से कम है तो ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, एंड 6000 खुद आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज 6000 में कोई ना कोई टैक्स ऐड हो रहा है और तब फाइनल अमाउंट पेएबल हम लोग को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी होगा, दैट इज ₹7,080। तो इसको हम सीधा सीधा डी मार्क कर सकते हैं। फिर भी अगर हम कैलकुलेट करके भी देखें तो भी यही आएगा। और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन होगा 6000, यानी कि जो हमारा अमाउंट है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, बिना टैक्स का अमाउंट, इनटू 1 प्लस टैक्स रेट बाय 100। चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर 6000 प्लस 18% ऑफ 6000, मतलब 6000 प्लस 18 बाय 100 इनटू 6000, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों में सेम आंसर आएगा। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 6000 इनटू, यहां पे 100 को एलसीएम लेकर के 100 प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय 100 आएगा, मतलब 118 बाय 100, यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएगा और ये 60 इंटू 118 आएगा। अगर इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 7080 ही आएगा। अगर इसको मेंटली हमको कैलकुलेट करना है तो इजीली ऐसे होता है कि 60 इंटू 118 है, 118 को ब्रेक कर देते हैं 100 प्लस 18 में, तो 60 इंटू 100 प्लस 18 यानी 6000 प्लस 60 इंटू 18। अब 18 सिक्सा जो होता है वो होता है 108, तो 6000 प्लस 1080 यानी कि 7080। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हम लोग को दिया है, जीएसटी रेट दिया है 12% और हम लोग को बोला गया है टोटल बिल निकालने के लिए। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन काफी कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन अगर पेपर लेंदी हो तो लेंदी पेपर में इस तरह का एमसीक्यूज भी दिया जा सकता है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर को लेंदी बनाने के लिए इस तरह का एमसीक्यूज भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले हर एक आइटम का जो मार्क प्राइस दिया है उससे डिस्काउंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद टोटल जो भी प्राइस यहाँ पे बन रहा है एक्सक्लूडिंग टैक्स वो निकाल करके एक बार में उसमें हम लोग टैक्स ऐड कर सकते हैं। कैसे होगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, टोटल प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स
250 में से अगर हम 30% डिस्काउंट माइनस करते हैं तो वो इस तरह से होगा 250 इंटू 1 माइनस 30/100 प्लस 200, उसमें से 40% हम लोग को डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है एंड 300 में से 20% डिस्काउंट हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है और ये तीनों सेलिंग प्राइस को मिला करके हम लोग को मिल जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो यहां पे हमको मिल जाएगा 250 माइनस 250 इंटू 30% या हम एक बार में अंदर का ब्रैकेट में एलसीएम निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स आवर चॉइस। अब अगर इसका टोटल कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसका हमको मिलेगा ₹535। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखा है, वैसे ही ये कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हम अंदर का एलसीएम निकाल के कैलकुलेट करें या फिर मल्टीप्लाई आउट करके भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे काफी कैंसिलेशन होंगे। अब यहां पे अगर हम टैक्स का एडिशन करते हैं सो इंक्लूडिंग टैक्स दैट मींस द फाइनल अमाउंट पेबल जो है उसके लिए हमको करना होगा एसपी जो एक्सक्लूडिंग टैक्स है टोटल प्राइस 535 इनटू 1 प्लस 12/100। इस तरह से हम फाइनल जो प्राइस है एक्सक्लूडिंग टैक्स उसमें टैक्स ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा रुपीज 599.20 होगा। अब अगर एसजीएसटी ₹15 दिया गया तो इसका मतलब जरूर ये इंट्रास्टेट सेल है बिकॉज स्टेट जीएसटी इंट्रास्टेट सेल में ही दिया जाता है और अगर ये इंट्रास्टेट सेल है तो इसका मतलब कि सीजीएसटी भी दिया गया होगा और इंट्रास्टेट सेल में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल रहता है तो इसका मतलब कि सीजीएसटी भी ₹15 होगा। तो हमारा जो टोटल जीएसटी है यहां पे टोटल जीएसटी वो यहां पे हो जाएगा ₹30 15+15 एंड क्योंकि हम लोग जीएसटी को बेसिक प्राइस के ऊपर ऐड करते हैं तो इसलिए जीएसटी का परसेंटेज निकालने के लिए यहां पे हम लोग इजीली जीएसटी डिवाइडेड बाय बेसिक प्राइस इनटू 100 यानी 30/500 इनटू 100 ऐसा कर सकते हैं और इससे हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो होगा 6 यानी कि 6% इज द आंसर। यहां पे जो सबसे कॉमन एरर मैंने स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है वो ये है कि वो भूल जाते हैं कि सीजीएसटी को भी हमको काउंट करना है और सीधा 15/500 इनटू 100 करके 3% आंसर निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, बैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन है ये जिसमें कि हम लोग को इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है तो ये वाला उसका आंसर है, बिल्कुल डायरेक्टली इसको मार्क करना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला ये भी एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बैंकिंग चैप्टर से और उसका आंसर होगा P into N plus I, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। Next question number 8. Priyanka has an RD account in a bank that is recurring deposit account. She deposits rupees 400 per month for 3 years and gets rupees 16176 at maturity. Interest paid by the bank is. तो यहाँ पे हमको maturity value दिया हुआ है rupees 16176. यहाँ पे हमको principal दिया हुआ है जो per month जो rupees deposit हो रहा है and हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि कितना years के लिए ये deposit हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हम लोग को जो मेजॉरिटी वैल्यू का इक्वेशन है MV इज इक्वल टू P इनटू N प्लस I ये इक्वेशन हम लोग को लगाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम इजीली ये वर्किंग देख सकते हैं MV इज इक्वल टू P N प्लस I ये वाला इक्वेशन है तो यहाँ पे MV के जगह पे लग जाएगा 16176 P यानी कि 400 और नंबर ऑफ मंथ्स बिकॉज यहाँ पे 3 years है तो इसलिए नंबर ऑफ मंथ्स होगा 3 × 12 यानी 36 400 × 36 + I, तो फिर हमको अल्टीमेटली मिलेगा 1776 और ये आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इफ x लेस देन y अब ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है इफ x लेस देन y एंड p इज नेगेटिव
देन ये चार ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, x by p greater than equal to y by p, px greater than py, px less than py and none of these। अगर x less than y है और p negative है तब फिर p से अगर हम पूरे इनिक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम लोग को जो नेगेटिव साइन है जो लेस देन साइन है बीच में उसको फ्लिप करना होगा, बिकॉज एक इनिक्वेशन को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम लोग को जो बीच वाला साइन है अगर वो लेस देन है तो उसको ग्रेटर देन में बदलना पड़ेगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन में बदलना पड़ेगा, ये इनिक्वेशन का एक रूल है। तो इसका मतलब कि p से मल्टीप्लाई कर जाने के बाद जो इनिक्वेशन का फॉर्म होगा वो होगा px greater than py and that means option number b। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा px greater than py। अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो यहां पे भी अगर हम एक नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को डिवाइड भी करें इनिक्वेशन का तब भी जो बीच वाला सिंबल है वो फ्लिप करता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सही इसलिए नहीं है बिकॉज यहां पे ग्रेटर देन के साथ एक इक्वल टू है जबकि पेरेंट इक्वेशन में यानी ओरिजिनल इक्वेशन में लेस देन के साथ कोई इक्वल टू नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लीनियर इनिक्वेशंस का क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इनिक्वेशन, ये इस साल के स्पेसिमेन का क्वेश्चन है। एक इनिक्वेशन हम लोग को दिया है -8 less than equal to 2x less than 8 and x belongs to whole number, इस इनिक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सेट क्या है वो हम लोग को मार्क करना है। यहाँ पे जब भी हम लोग को इस तरह का इनिक्वेशन दिया होता है जिसमें तीन पार्ट्स होते हैं हम लोग उसको इस तरह से लेते हैं, दो पार्ट्स में हम लोग इनिक्वेशन को डिवाइड करते हैं, एक है ये वाला पार्ट -8 less than equal to 2x और एक है ये वाला पार्ट 2x less than 8। -8 less than equal to 2x यानी कि 2x greater than equal to -8 और 2x greater than equal to -8 मतलब x greater than equal to -4, इसका मतलब x जो है वो -4 से इक्वल और उससे बड़ा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2x less than 8 तो इससे आएगा x less than 4, इसका मतलब कि x जो है वो -4 से इक्वल और बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, अब बिकॉज यहां पे x belongs to whole number है तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम नेगेटिव नंबर्स को नहीं कंसीडर कर सकते बिकॉज होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए -4 से लेकर के -1 ये जो पार्ट है ये हम सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं कर सकते, 0 से 4 तक का पार्ट एंड इनफैक्ट 0 से 4 के पहले तक का, बिकॉज यहाँ पे x less than 4 है not less than equal to 4, तो 0 से 4 के पहले तक का नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3 ये हमारा सॉल्यूशन होगा which is option C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है एंड ये इस साल के स्पेसिमेन पेपर का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज, तो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तब उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है मतलब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू होता है 0। यहां पे हम लोग के पास चार ऑप्शंस थे, इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट, पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 √5 डिवाइडेड बाय 2 देन द अदर रूट इज, नाउ 3 √5 डिवाइडेड बाय 2 अगर ये एक रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो जो और एक रूट होगा वो ऑब्वियसली 3 √5/2 यानी कि इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी होना चाहिए, बिकॉज हम लोग का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने का दैट इज -b + √(b²-4ac)/2a। तो ऑब्वियसली एक रूट होगा -b + √(b²-4ac)/2a और एक रूट होगा -b - √(b²-4ac)/2a। इसका मतलब सिर्फ जो डिफरेंस है वो बीच के साइन का है, तो सिर्फ बीच के साइन का डिफरेंस है यानी अगर एक रूट होगा 3 √5/2 तो और एक रूट होगा 3 + √5/2, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 3x² + kx + 3 = 0, ये जो इक्वेशन है इट हैज इक्वल रूट्स, नाउ इक्वल रूट्स होने का मतलब है दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 0, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 0, सो d इक्वल टू 0 है यानी कि b² - 4ac = 0। यहां पे अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0, तो a का वैल्यू निकलेगा 3, b का वैल्यू k और c का वैल्यू भी 3, तो इसका मतलब कि k²
माइनस फोर इंटू थ्री इंटू थ्री बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, यानी कि फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन से आपको ये पता चलता है कि के स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स आएगा, दैट मीन्स के इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्लस माइनस सिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइनस फाइव इज द रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, देन पी का वैल्यू क्या है? तो बस क्योंकि माइनस फाइव इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन में एक्स के जगह पे हम लोग माइनस फाइव को पुट कर सकते हैं, एंड वी वुड गेट टू इंटू माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। नाउ माइनस फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव, टू इंटू ट्वेंटी फाइव फिफ्टी प्लस पी इंटू माइनस फाइव यानी माइनस फाइव पी माइनस फिफ्टीन, सो फिफ्टी माइनस फाइव पी माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो। नाउ फिफ्टी माइनस फिफ्टीन का मतलब है थर्टी फाइव, एंड माइनस फाइव पी इक्वल टू हो जाएगा माइनस थर्टी फाइव। अगर हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पी का वैल्यू आएगा थर्टी फाइव बाई फाइव, दैट इज नथिंग बट सेवन, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन हाफ एंड 128। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर तीन नंबर्स ए बी एंड सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो, तब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये रिलेशन होता है बिटवीन बी दैट इज द मीन प्रोपोर्शनल एंड ए एंड सी दैट इज द फर्स्ट एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शनल यानी बी का। नाउ दिस मींस यहां पे ए का वैल्यू है हाफ और सी का वैल्यू 128, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, दैट विल बी द मीन प्रोपोर्शनल, एंड उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहां पे हम लोग को ऐसे मिलेगा हाफ इंटू 128, इसको काटेंगे तो मिलेगा 64, बी स्क्वायर इक्वल टू 64, दैट मीन्स बी का वैल्यू होगा 8, सो द आंसर वुड बी 8। इसके बाद नेक्स्ट, The third proportional to 9 and 15. अब यहां पे भी continued proportion का concept है। अगर यहां पे हम लोग को third proportional मांगा जा रहा है हमसे, तो फिर इसका मतलब है कि A, B और C जो continued proportion में है, उसमें से A का value है 9 and B का value है 15. Again हम लोग ये relation B square equal to AC निकाल सकते हैं। So B square equal to AC, B का value हम लोग को दिया हुआ 15. So इसका मतलब 15 square is equal to 9 into C. Where C is the third proportional. A is the first proportional, B is the mean proportional and C is the third proportional. 15 square आएगा 225, 225 by 9 हो जाएगा C का value and that would be equal to 25. तो इसका आंसर होगा C 25. उसके बाद next question, question number 17, on applying componendo to the proportion A by B equal to C by D, चार options से हम लोग के पास, क्या होगा? A plus B by D is equal to C plus D by D, या फिर A minus B by B is equal to C minus D by D, या फिर a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, या फिर b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। अब यहां पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ कॉम्पोनेंटो मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में, डिविडेंडो नहीं, तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता, बिकॉज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दोनों करने से ही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे हमने सिर्फ दोनों रेशियोज को इन्वर्ट कर दिया, सो इन्वर्टेंडो करने से ही ऑप्शन डी हो सकता है। तो क्योंकि इन्वर्टेंडो नहीं कॉम्पोनेंटो किया गया, इसलिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ऑप्शन ए विल बी द आंसर, बिकॉज कॉम्पोनेंटो करने का मतलब है दोनों साइड पे वन ऐड करना, एंड दोनों साइड पे जब वन ऐड करके हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। बी वाला जो ऑप्शन है वो डिविडेंडो करने से मिलता है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, द रिलेशन बिटवीन देम इज, अगर ए बी सी तीनों कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 के लिए और 16 के लिए डिस्कस किया था, उन लोगों के बीच का रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जो कि ऑप्शन डी का आंसर है, बाकी तीनों रिलेशंस जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस वन, देन ए इज, तो यहां पे हम लोग सिंपली फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर एक्स माइनस वन एक फैक्टर है, तो हम लोग ये जानते हैं कि उसको इक्वल टू जीरो करके एक्स का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, उस वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में एक्स के जगह पे डालें, तब पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आना चाहिए।
दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो अगर x माइनस वन एक फैक्टर है तो x इक्वल टू वन यानी कि वन को x के जगह पे डालने से पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स टू इंटू वन स्क्वेयर माइनस ए इंटू वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। टू इंटू वन स्क्वेयर माइनस ए इंटू वन मतलब ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये वन स्क्वेयर यानी वन, वन इंटू टू टू एंड टू माइनस वन वन आएगा। तो वन माइनस ए इक्वल टू जीरो यानी कि ए इक्वल टू वन। तो यहां पे हमारा जो ए का वैल्यू होगा वो होगा वन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। व्हेन 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम सीधे सीधे ये बोलता है कि जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू जीरो करके x का जो वैल्यू आएगा। अब यहां पे अगर 2x प्लस 1 को इक्वल टू जीरो करेंगे तो पहले तो माइनस 1 मतलब 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा और फिर 2 नीचे चला जाएगा तो x इक्वल टू माइनस हाफ आएगा। अब ये x इक्वल टू माइनस हाफ को, इस x इक्वल टू माइनस हाफ को अगर हम पॉलिनोमियल में x के जगह पे पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करके मिलेगा वो ही होगा रिमाइंडर, एंड इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां पे हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 2 इंटू माइनस हाफ होल क्यूब माइनस माइनस हाफ स्क्वेयर माइनस 3 इंटू माइनस हाफ प्लस 5। तो इससे हम लोग को मिलेगा 2 इंटू, अब माइनस हाफ का क्यूब अगर करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 1 बाई 8 माइनस माइनस हाफ का स्क्वेयर वो होगा 1 बाई 4 माइनस 3 इंटू माइनस हाफ वो आएगा प्लस 3 बाई 2 एंड फिर प्लस 5। यहां पे हम लोग को मिलेगा माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 मतलब माइनस 2 बाई 4 यानी माइनस हाफ, 3 बाई 2 माइनस हाफ मतलब कि 2 बाई 2 यानी 1 एंड 1 प्लस 5 यानी 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। 2x01 ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये ऐड हो रहा है विद 3 टाइम्स अनदर मैट्रिक्स 2140 और रिजल्ट है 88121। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करके एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालना है और फिर उसके एलिमेंट के साथ यहाँ के एलिमेंट को इक्वेट करना है तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ इस मल्टीप्लीकेशन का रिजल्टेंट निकालने के लिए तो हमको मिलेगा 3 टू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बन जाएगा 6 3 12 0। और अगर अब हम ये देखें कि x के साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के हिसाब से कौन सा एलिमेंट ऐड होगा इस मैट्रिक्स का तो वो होगा 3 एंड x प्लस 3 बन जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो है 8। तो इसका मतलब कि x प्लस 3 इक्वल टू 8 यानी कि x इक्वल टू 5 ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इस साल के स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, बोथ क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। सो ये एपी का क्वेश्चन है। 57 54 51 48 डॉट 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 आर इन एपी, द एथ टर्म इज। तो यहां पे हम सिंपली जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहां पे हमको एथ टर्म चाहिए, इसका मतलब कि a 8, सो दैट इज इक्वल टू a मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 57 प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 क्योंकि हम लोग को 8th टर्म चाहिए तो n का वैल्यू 8 है, सो 8 माइनस 1 मतलब 7 इनटू d का वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस वो हमको पता चलेगा बाय सबट्रैक्टिंग द सेकंड टर्म, सॉरी बाय सबट्रैक्टिंग द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकंड टर्म। इसका मतलब कि 54 माइनस 57, हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करने से हमको कॉमन डिफरेंस मिलेगा कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सबट्रैक्ट करके। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस होगा 54 माइनस 57, इसका मतलब है माइनस 3। सो यहां पे हम लोग को माइनस 3 पुट करना है डी के जगह पे, तो अब यहां पे हमको मिलेगा 7 इंटू माइनस 3 का मतलब माइनस 21 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 57 माइनस 21 और इसका आंसर होगा 36 विच इज ऑप्शन ए। इफ द nth टर्म इज n प्लस 3
इसका मतलब है कि ए एन का जो वैल्यू है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस थ्री, तो पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म को निकालने के लिए हम लोग को ऑब्वियसली एन के जगह पे वन पुट करना पड़ेगा, बिकॉज एन जो है वो टर्म का इंडेक्स है यानी पोजिशन है, जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। तो उसी तरह से यहां पे ए वन इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस थ्री, इसका मतलब है फोर। सो ए वन का वैल्यू आएगा वन प्लस थ्री, इसका मतलब है फोर। उसी तरह से ए टू का वैल्यू आएगा टू प्लस थ्री यानी कि फाइव, और ए थ्री आ जाएगा थ्री प्लस थ्री यानी कि सिक्स। सो फोर फाइव सिक्स सी इज द आंसर। वैसे यहां पे जब हमको पता चल गया कि पहला टर्म यानी कि ए वन होगा वन प्लस थ्री मतलब फोर, तभी हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, बिकॉज यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो फोर से स्टार्ट हो रहा है जिसमें फोर फर्स्ट टर्म है और वो है ऑप्शन सी। बाकी तीनों में किसी में भी फोर से स्टार्ट नहीं हो रहा है सीरीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 इन एन एपी टी 18, इसका मतलब है 18th टर्म माइनस टी 14 यानी कि 14th टर्म इज इक्वल टू 32। सो 18th टर्म और 14th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 32, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? अब अगर हम लोग ये फॉर्मूला को फॉलो करें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 18th टर्म होगा ए 18 इज इक्वल टू 18 ए प्लस 18 माइनस वन इंटू डी, इसका मतलब है कि ए 18 होगा ए प्लस 17 डी। सो टी 18 का वैल्यू होगा ए प्लस 17 डी, ए प्लस 17 डी माइनस टी 14। तो टी 14 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन के जगह पे 14 पुट कर देंगे। ए 14 टी 14 ए 14 एक ही बात है, इसका मतलब होता है 14th टर्म। कभी कभार हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे नॉर्मली हम लोग ए को यूज करते हैं, बट अगर टी के हिसाब से मेंशन हो तो उसका मतलब भी उस वैल्यू पे जो टर्म है वही मीनिंग होता है। सो ए 14 इज इक्वल टू ए प्लस 14 माइनस 1 इनटू डी, इसका मतलब है ए प्लस 13 डी। तो टी 14 की जगह पे हम डालेंगे ए प्लस 13 डी, यहां पे ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, एंड इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है एज 32। अब अगर यहां पे हम इसको वर्कआउट करेंगे माइनस के साथ ब्रैकेट को खोल करके, तो फिर हमको मिलेगा a प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 13 डी, ए माइनस ए गेट्स कैंसिल आउट। तो 17 डी माइनस 13 डी मतलब 4 डी एंड दैट इज इक्वल टू 32। सो 4 डी इक्वल टू 32, इसका मतलब d इक्वल टू 8। सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है फॉर्मूला फॉर द nth टर्म व्हेन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन। तो यहां पे हम लोग को sn का वैल्यू मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये दिया हुआ है, एंड उससे हम लोग को an यानी कि nth टर्म निकालना है। कभी कभार हम लोग को इस तरह का सम दिया जाता है जिसमें कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब sn n के टर्म्स में ही दिया हुआ रहता है, जैसे कि sn इज इक्वल टू n स्क्वायर या n स्क्वायर प्लस 2 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, इस तरह का एक्सप्रेशन। सो जब हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब एस एन उस तरीके से दिया हुआ रहता है इन टर्म्स ऑफ एन, तब हम लोग एस एन माइनस एस एन माइनस वन यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स, ऐसा करके ए एन निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो यहां पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी तीनों रिलेशंस गलत है। उसके बाद 28, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। तो ये जो एपी है 3 8 13 18 जो इस तरह से चल रहा है, इसमें 78 कौन से पोजीशन पे आएगा ये मांगा है। यहां पे विच टर्म का मतलब है कि पोजीशन मांगा है, 12th टर्म या 10th टर्म या 13th टर्म। सो ऑप्शंस हमारे पास चार्टो है। अब यहां पे हम या तो हर एक ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा टर्म 78 आ रहा है, और या फिर हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं ए एन का वैल्यू को 78 लेकर के, 78 इज इक्वल टू ए यानी कि 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आएगा 8 माइनस 3 यानी 5। यहां पे इस इक्वेशन को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, 78 माइनस 3, 3 को यहां पे ले आएंगे तो आपको मिलेगा 75, एंड फिर ये 5 जो कि एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 75 बाई 5 इसका मतलब है 15
is equal to n minus 1. So n minus 1 equal to 15, matlab n equal to 16. Simply is linear equation ko solve karke aapko n ka value mil jayega as 16. So option B is the correct answer, that is 16. Next question number 29. Ye wala question bhi is saal ke specimen question paper se hai. The point A P comma Q is invariant about x equal to P under reflection. Coordinates of its image A dash is. अब ये जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्शन चैप्टर से है. कोई भी पॉइंट अगर इनवेरिएंट होता है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन लाइन, इसका मतलब कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही लाई करता है, और अगर उस पॉइंट का उस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज देखा जाए तो वो पॉइंट खुद ही अपना इमेज होगा. बिकॉज अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर लाई करता है तो उसका इमेज भी वहीं पे उसी पोजिशन पे मिरर के ऊपर होगा. Because if object distance, yani distance between the object and the mirror is zero, then image distance, that is the distance between the image and the mirror, will also be zero, because object distance equal to image distance. So, ek invariant point ka image hamesha wo khud hi hota hai on the line with respect to which it is invariant. So, iska matlab hai ki capital A P comma Q का अगर इनवेरियंस यानी कि वो अगर इनवेरियंट है x इक्वल टू p वाले लाइन पे, तो फिर x इक्वल टू p वाले लाइन में a p कॉमा q का इमेज p कॉमा q ही रहेगा. तो इसलिए ऑप्शन c विल बी द करेक्ट आंसर, a डैश p कॉमा q. अगर इसको हम ग्राफ में देखें तो ऐसा होगा सिचुएशन, इफ दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द लाइन x इक्वल टू p. सपोज ये वाला वैल्यू p है, सो दिस इज द लाइन x इक्वल टू p, ये लाइन, एंड यहां पे कहीं पे पी कॉमा क्यू पॉइंट होगा. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज क्यू, सो ये वाला पॉइंट होगा पी कॉमा क्यू. सो ये पॉइंट पी कॉमा क्यू एक्स इक्वल टू पी पे लाई कर रहा है, तो इसका इमेज अगर एक्स इक्वल टू पी के हिसाब से हम देखेंगे, तो बिकॉज ये पॉइंट खुद एक्स इक्वल टू पी पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन के हिसाब से इस पॉइंट का इमेज भी वो खुद ही होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. The image of a 4 comma minus 1 in the line x equal to 2 is. तो यहाँ पे x equal to 2 वाले line पे line में a 4 comma minus 1 जो point है उसका क्या image है, ये हम लोगों को निकालना है. इसका figure हम draw करते हैं rough में. so ये अगर ये वाला line है x equal to 2, let's say x का value 2 and x equal to 2 मतलब उससे गुजरता हुआ perpendicular line, the line which is perpendicular to the x-axis, या a line passing through the value 2 on the x-axis parallel to the y-axis. So, ये लाइन है x equal to 2. जो पॉइंट 4 comma minus 1 है, 4 comma minus 1, अगर let's say कि ये इसको हम 4 पकड़ते हैं और यहाँ पे minus 1, तो ये होगा पॉइंट 4 comma minus 1. इसका इमेज हम लोग को निकालना है इन the लाइन x equal to 2, not in the y-axis or x-axis. तो हम लोग को ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये पॉइंट 4 कॉमा माइनस 1, इसके साथ x इक्वल टू 2 का कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेजर करना पड़ेगा, और उतना ही डिस्टेंस पे यहां पे ऑपोजिट साइड में उसका इमेज होगा. नाउ 4 कॉमा माइनस 1 जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इतना यूनिट, यानी कि 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब है 2 यूनिट्स. सो 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन x इक्वल टू 2 ऑन द सेम परपेंडिकुलर लाइन. 2 units to the left of x equal to 2 on this perpendicular line, that is which is connecting the object to the mirror. उसी line को extend करते हुए यहाँ पे image होगा. So इसका मतलब है, now if we go 2 units to the left of x equal to 2, तो हम लोग basically y axis पे आ जाएंगे, that is on the line x equal to 0. तो इसका मतलब है कि अगर हम ये line को extend करते हैं यहाँ पे y axis तक, तो हम पहुँचेंगे इस point पे, that is 0 comma minus 1. 0 comma minus 1 ये वाला पॉइंट पे हम पहुंचेंगे, एंड दिस वुड बी द इमेज ऑफ द पॉइंट 4 comma minus 1 इन द लाइन x equal to 2. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज g 6 comma 7. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर स्मॉल a comma 5 7 comma 9 5 comma 7 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज स्मॉल a. तो हम लोग को सेंट्रोइड का फार्मूला जो है वर्टिसेस के हिसाब से, सेंट्रोइड का फार्मूला मालूम है, वो होता है x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. इसका मतलब a plus 7 plus 5 divided by 3 करने से हमको सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट मिल जाना चाहिए, which is 6. So a plus 7 plus 5 divided by 3 equal to 6. a plus 7 plus 5 यानी a plus 12
डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6, 3 इंटू 6 यहाँ पे 18 होगा, माइनस 12 यानी कि 6 आएगा. सो द आंसर इज ऑप्शन बी 6. क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं. गिवन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2.3, वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -2.5, व्हाट विल बी द अदर एंड ऑफ द डायमीटर. लेट्स से कि अदर एंड ऑफ द डायमीटर का कोऑर्डिनेट्स है x, y. यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम लोग को मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज डायमीटर के दोनों एंड्स का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ द सर्कल ही होता है. अगर यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको दो इक्वेशंस मिलेगा. एक है -2 + x / 2 इक्वल टू सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 2, एंड 5 + y / 2 इक्वल टू सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 3. ये दोनों इक्वेशन से हमको x का वैल्यू मिलेगा सॉल्व करके as 6 एंड y का वैल्यू मिलेगा as 1. सो 6.1 जो है दैट इज द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. If the lines 2x + 3y = 5 and kx - 6y = 7 are parallel, then k is. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से है. यहाँ पे बोला गया कि 2x + 3y = 5 एक ये लाइन है, एंड kx - 6y = 7 ये और एक लाइन है, एंड दीज टू लाइन आर पैरेलल. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? सो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये देखना होगा कि दोनों लाइन का स्लोप क्या है, एंड बिकॉज कोई भी दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है तो यहाँ पे दोनों लाइंस के स्लोप को हम लोग इक्वल टू करके सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल सकते हैं. सबसे पहला वाला जो लाइन है 2x + 3y = 5, इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3y = -2x + 5, 2x को उधर शिफ्ट करके, और फिर उसके बाद y के सामने वाला जो 3 है उसको हम लोग ले जाएंगे नीचे राइट हैंड साइड में डिवाइड में इन दोनों के नीचे. तो तब हम लोग को मिलेगा y = -2x/3 यानी कि -2/3x + 5/3. ये बहुत ही सिंपल वर्किंग है, और ये जो हम कर रहे हैं, हम बेसिकली इसमें ये एम कर रहे हैं कि इस लाइन के इक्वेशन को y = mx + c, इसका मतलब है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा y = -2/3x + 5/3. अगर इसको y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा -2/3. अब ये वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन अगर इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा -6y = एंड kx को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -kx + 7, -kx हो जाएगा और फिर +7, एंड -6 को अगर हम फिर नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स के नीचे -6 आ जाएगा इंडिविजुअली, तो -kx / -6 + 7 - 6, यहां -- कैंसिल हो जाएगा. हम लोग देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में y = mx + c के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप होगा दैट विल बी k/6. सो इसका स्लोप है -2/3 एंड इसका स्लोप है k/6, y = mx + c. तो m जो है दैट इज जो भी पार्ट x के साथ है दैट इज m द स्लोप. सो -2/3 एंड k/6 ये दोनों स्लोप है, एंड क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों स्लोप सेम होगा. सो -2/3 = k/6, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे -2/3 = k/6, 6 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेसिकली k का वैल्यू जो होगा वो बन जाएगा -2/3 × 6, यहां पे 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो अब यहां पे कैंसिलेशन होगा, 3 × 2 = 6 एंड -2 × 2 आंसर आएगा -4. सो k का वैल्यू होगा -4 व्हिच इज ऑप्शन बी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है. द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 and -3, 6, ये दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाले लाइन से और एक लाइन परपेंडिकुलर है, उस लाइन का स्लोप क्या है. सो 2, 5 and -3, 6 ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों जो पॉइंट्स है, इनके थ्रू पास करने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा. तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज m = y2 - y1 / x2 - x1. जब हम लोग को दो पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन पास करता है उसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1. तो यहां पे इसका जो स्लोप निकलेगा वो होगा m = y2 - y1 यानी 6 - 5 मतलब 1 डिवाइडेड बाय -3 - 2 -3 दैट इज x2 -2 that is x1. So -3 - 2.
तो -3 -2 हो जाएगा -5। सो इस लाइन का स्लोप निकला -1/5, इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं -1/5, एंड इस लाइन से परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप हम लोग को निकालना है। तो अगर इस स्लोप को हम पकड़ेंगे m1, हम जानते हैं कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, दैट इज m1 m2 = -1। नाउ इफ दैट इज द केस, तो हम लोग को यहां पे अगर m1 का वैल्यू हम बैठा देंगे -1/5, तो -1/5 × m2 = -1, इसको सॉल्व करके हम लोग को दूसरे लाइन का स्लोप मिल जाएगा, जो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है उसमें जो दूसरा वाला लाइन है उसका स्लोप m2 हम लोग को मिल जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम देख सकते हैं कि 5 जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो m2 = 1 × 5, दैट इज 5। सो इसका आंसर होगा 5, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। कोई भी जो लाइन होता है, अगेन ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। नाउ इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, व्हेन वी आर मेजरिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द लाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो एंगल बन रहा है लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में, इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन। एंड अगर ये इंक्लिनेशन थीटा हो तभी हमारा जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं m = tan θ, स्लोप m = tan of the inclination। तो इंक्लिनेशन वो एंगल है जो लाइन बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पे इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को स्लोप पता चल जाए लाइन का, तो फिर m के जगह उस स्लोप को बैठा करके tan थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा, एंड tan थीटा मिल जाएगा तो थीटा भी मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग पहले तो लाइन का इक्वेशन से लाइन का स्लोप निकालेंगे, और फिर उसके बाद स्लोप निकाल करके एम के जगह पे उसको बैठा के टैन थीटा निकाल लेंगे और उससे थीटा गेस करेंगे। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए अगर उसका इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अगर करने का जरूरत पड़े, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया था, और फिर उसके बाद हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको कंपेयर करके एम का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि स्लोप का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे हम लोग को जो इक्वेशन दिया दैट इज ऑलरेडी इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म y = mx + c। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू निकलेगा √3, द स्लोप विल बी इक्वल टू √3। सो m इज इक्वल टू √3, √3 को अगर m की जगह बैठाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। नाउ tan थीटा कब √3 होता है, tan थीटा तभी √3 होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट मींस ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री tan थीटा इज इक्वल टू √3। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू यानी कि इंक्लिनेशन का वैल्यू है 60 डिग्री, विच इज ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिमिलैरिटी से है, एंड ये हमारे इस साल के स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ बाय विच रूल, बाय द एक्सियम, मतलब कौन सा एक्सियम यानी कि कौन से रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। हम लोग को रूल्स के ऑप्शंस दिए हुए SSS, उसके बाद AAA एंड RHS। नाउ यहां पे जो सिमिलैरिटी का ऑप्शन है उसमें हम लोग अगर देखें ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, कोई भी दो फिगर्स अगर सिमिलर है इसका मतलब कि उन लोग का शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, साइज अलग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एंड अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ है, इसका मतलब कि एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होने चाहिए, देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, अगर ये होल्ड करेगा तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड वाइस वर्सा अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर ये होल्ड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स है, दोनों में एक ना एक एंगल 90 डिग्री है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल्स का इक्वालिटी। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए बी डिवाइडेड बाई ई डी यानी कि डी ई, ए बी बाई डी ई दैट इज 4/24, एंड 4/24 का मतलब है 1/6। उसी तरह से अगर हम लोग बी सी बाई ई एफ टेस्ट करेंगे,
बीसी बाई ईएफ, ये दोनों इक्वल होना चाहिए इस सिमिलैरिटी के स्टेटमेंट के हिसाब से। ए बी बाई डीई जो कि हमारा आया 4/24 शुड बी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, एंड अगर बी सी बाई ई एफ हम देखेंगे क्या है, दैट इज 3/18 दैट इज ऑल्सो 1/6। तो ये दोनों रेशियो सेम है जो कि होना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। यहां पे हम लोग को जो दिया हुआ है वो है कि दो साइड्स के रेशियो सेम है एंड दोनों के बीच का एंगल इक्वल है एंड दैट इज 90 डिग्री। यहां पे जो रूल फॉलो हो रहा है दैट इज साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो यहां पे बिकॉज दोनों ट्राइंगल से हम लोग दो साइड्स ऑफ एक एंगल को ले रहे हैं, इसलिए एट द एंगल इज बिटवीन द टू साइड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो रूल यहां पे फॉलो हो रहा है दैट इज SAS और साइड एंगल साइड। सो दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चंस प्री स्पेसिमेन पेपर के हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सर्कल्स का क्वेश्चन है। तो यहां पे दिया हुआ है इन द गिवन डायग्राम एसी इज अ डायमीटर एंड एंगल एडीबी इज इक्वल टू 35 डिग्री। नाउ एसी इज अ डायमीटर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड वैसे इसमें निकालना हम लोग को एक्स का वैल्यू है वो तो दिख ही रहा है। तो एसी इज अ डायमीटर, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एसी जो डायमीटर है या एसी जो आर्क है एडीसी, क्योंकि एसी एक डायमीटर है इसलिए एडीसी जो आर्क है उससे जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द पॉइंट बी दैट विल बी 90 डिग्री। कोई भी डायमीटर का एंड से अगर हम लोग सर्कमफेरेंस के किसी और पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं तो वो पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनेगा और इस रूल को हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो यहां पे एंगल इन अ सेमी सर्कल ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, जिसकी वजह से ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज ये है कि अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें तो जो ए बी वाला आर्क है, दिस आर्क ए टू बी द माइनर आर्क, उससे हम लोग को दो एंगल्स मिल रहा है। एक तो ये एंगल, ये दोनों एंड से ज्वाइन करके ये एंगल मिल रहा है 35 डिग्री विच इज एट डी, और एक ये वाला एंगल मिल रहा है विच इज एट द पॉइंट सी। हम लोग को ये मालूम है कि सेम आर्क से अगर दो एंगल्स मिलता है दो अलग अलग पॉइंट्स पे ऑन द सर्कमफेरेंस तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ रूल कॉल्ड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इसका मतलब ये अगर 35 है तो ये भी 35 है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम आर्क। एंड अब अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगल एबीसी में हम लोग को तीनों एंगल्स जो है वो पता है, मतलब कि बाकी दोनों एंगल्स का वैल्यू पता है एक्स को छोड़ के, और ये तीनों एंगल्स को ऐड करके ऑब्वियसली 180 डिग्री आएगा। सो एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कि एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 35, 90 और 35 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 125, 180 माइनस 125 आएगा 55। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज 55 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद द सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि एक कोन है और एक अलग सिलेंडर है लेकिन दोनों का बेस रेडियस सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है, इज 120 सेंटीमीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ द कोन हैविंग द सेम बेस एज दैट, सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ द सिलेंडर is 120, यानी कि कोन का वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर क्यूब है। What is the volume of the cylinder? Now ये जो है that is a very easy question, यहाँ पे कोई डिटेल वर्किंग वैसे नहीं चाहिए, हम लोग को बस ये देखना होगा यहाँ पे कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr² दोनों जगह मैंने रेडियस के लिए स्मॉल आर और हाइट के लिए स्मॉल एच यूज किया है बिकॉज यहां पे बोला गया है कि कोन और सिलेंडर दोनों का हाइट भी इक्वल है और बेस रेडियस भी इक्वल है। सो इन दैट केस हम लोग ये देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है दैट इज नथिंग बट 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बिकॉज पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो पाई आर स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर।
सो वी कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वी सिलेंडर. अब हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह हम 120 लगाते हैं 120 सेंटीमीटर क्यूब, तो वी सिलेंडर हमको कैसे मिलेगा, बस इस 3 को हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा विद 120. 3 into 120 हमको मिल जाएगा 360. सो 360 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ऑप्शन सी इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27. द रेशियो ऑफ द सर्फेस एरियाज इज, तो हम लोग को दो स्फीयर के वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है और उन्हीं दोनों स्फीयर्स के सर्फेस एरियाज का रेशियो हम लोग को निकालना है. सबसे पहला बात है कि किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब. तो अगर हम एक स्फीयर के रेडियस को ले लें स्मॉल आर और दूसरे स्फीयर के रेडियस को ले लें कैपिटल आर, तो फिर हम लोग जानते हैं कि दोनों स्फीयर्स के जो वॉल्यूम्स होंगे वो होंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. And that is equal to 64/27. दोनों spheres के volumes का ratio, यानी कि दोनों spheres के volumes का division जो है, that is equal to 64/27. अब यहाँ पे हम लोग का एक simple concept है, वो ये है कि 4/3 pi तो है cancel out हो जाएगा, so 4/3 pi gets cancelled out. उसके बाद हम लोग के पास जो रह जाएगा दैट इज स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब. तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होल क्यूब. एंड यहां पे हम लोग को मालूम है कि 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 4 × 4 × 4 एंड 27 3 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4/3 होल क्यूब. क्यूब क्यूब कैंसिल आउट, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 4/3, यानी कि जो दोनों स्फीयर्स के रेडियस है, रेडियाई है, उनका रेशियो है 4/3. तो फिर दोनों स्फीयर्स के सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर. सो यहां पे दोनों स्फीयर्स के जो सरफेस एरियाज है उनका रेशियो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. एंड 4 पाई कट जाएगा और यहां पे हम लोग को फिर मिलता है स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होल स्क्वायर. एंड स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का वैल्यू है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 होल स्क्वायर. एंड वी नो दैट 4/3 स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4² = 16 एंड 3² = 9, तो ये हो जाएगा 16/9 या फिर 16:9, विच इज ऑप्शन डी. Next question is from trigonometry. If sec theta minus tan theta equal to k, then sec theta plus tan theta equal to what? तो sec theta minus tan theta का value अगर k है, तो फिर sec theta plus tan theta का value क्या होगा? यहाँ पे आपको चार options दिए हुए k के terms में. तो इसका इसको निकालने का जो सबसे easy तरीका है वो ये है कि हम लोग को ये मालूम है कि sec square theta minus tan square theta equal to 1. sec square theta minus tan square theta equal to 1. एंड जो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री के उसमें से ये वाला आइडेंटिटी जो है इसको दूसरे फॉर्म्स में भी याद किया जाता है, बट हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसको इस फॉर्म में याद रखा जाए sec square theta minus tan square theta equal to 1, because ये वाला जो आइडेंटिटी है अगर उसको इस फॉर्म में याद किया जाए तो काफी सारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग सम्स में रेडीली ये यूज में आ सकता है. अब यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि a square minus b square जो होता है that can be written as a plus b into a minus b. तो ये हम लोग को इस तरह से मिल जाएगा sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta equal to 1. And हम लोग को ये दिया हुआ है कि sec theta minus tan theta is equal to k. तो इसका मतलब है कि sec theta plus tan theta into k is equal to 1, फिर वो k नीचे चला जाएगा on the right hand side divide में, तो sec theta plus tan theta का value आ जाएगा 1/k. So the answer is option D, 1/k. Next question number 41.
If a pole 6 meter high casts a shadow 2 to 3 meter long, then the sun's elevation is. तो अगर एक पोल है और ये वैसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अगर एक पोल है 6 मीटर हाइट का और जो शैडो वो गिरा रहा है ग्राउंड पे, जो शैडो उसका पड़ रहा है ग्राउंड पे, उस शैडो का लेंथ है 2 to 3 मीटर, इन दैट केस सन का एलिवेशन यानी कि कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन पे हमको सन दिख रहा है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसको सन दिख रहा है, ये हम लोग से पूछा है। अगर इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखें तो इसका डायग्राम ऐसा होगा, ये जो लाइन ऑफ साइट है इस पे जाकर के सन रहेगा एंड जो शैडो है पोल का वो इस तरह से पड़ेगा ऐसे। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि अपना ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से जिस एंगल पे हमको देखना पड़ रहा है सन को देखने के लिए डायरेक्टली। अब यहां पे पोल का हाइट दिया है हम लोग 6 मीटर, यानी कि ये वाला जो साइड है वो है 6 मीटर, शैडो का लेंथ है 2 to 3 मीटर, ऑब्वियसली शैडो जो है वो ये होगा एट द बेस ऑन द ग्राउंड, तो ये दिया हुआ है 2 to 3 मीटर। देन हम लोग को ये जो एंगल है थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, सिंपल है, परपेंडिकुलर और बेस हम लोग को दिया हुआ है तो टैन थीटा हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग को मिलेगा 6/2√3। अब 2 और 6 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 3, और रूट 3 और 3 को कैंसिल करेंगे तो 1√3 रह जाएगा, बिकॉज हमेशा ये याद रखना चाहिए कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि रूट 3 को और एक रूट 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तब हम लोग 3 मिलेगा, तो इसका मतलब है कि अगर 1√3 से 1√3 को कैंसिल करेंगे तो 1√3 बच जाएगा। tan थीटा इक्वल टू √3 होता है फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 डिग्री √3 होता है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री, which in this case is option A. उसके बाद last question जो है वो probability का है, again ये specimen paper का question है, probability of sun rising from the east is let's say P bracket में S, then what is the value of PS? So probability of sun rising from the east, ये एक sure event है, होगा ही होगा हर रोज, तो कोई भी श्योर इवेंट जो है वो बिकॉज उसका होने का चांसेस 100% है, तो इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगा, तो इसलिए जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी दैट इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी जो है लेस देन 0 वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज किसी भी इवेंट का होने का चांसेस या प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता या 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे भी कैंसिल आउट है। यहाँ पे ऑप्शन ए वो तभी हो सकता है जब हम लोग किसी इम्पॉसिबल इवेंट का बात कर रहे हो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन सेटिंग इन द ईस्ट तो फिर हम लोग ये बोलते कि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है और इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, तो यहाँ पे यही तो पॉसिबल ऑप्शंस यानी कि कंसिडरेबल ऑप्शंस थे जिनको कंसिडर करना था हम लोग को, और उसमें से बिकॉज द इवेंट गिवन इज अ श्योर इवेंट तो आंसर होगा इक्वल टू 1 यानी कि सी। इन एमसीक्यूज में जो एक एमसीक्यू डिस्कस करना रह गया है वो है स्पेसिमेन पेपर का एक एमसीक्यू जो कि स्टेटिस्टिक्स चैप्टर से था, तो वो हम यहाँ पे वर्बली डिस्कस करेंगे, तो स्टेटिस्टिक्स चैप्टर का जो एमसीक्यू स्पेसिमेन पेपर में था तो इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है, द मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग, तो एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन हम लोग को कैसे मिलता है ये हम लोग से पूछा गया है, ग्राफिकली किस तरह से हम लोग को मिलता है बाय ड्रॉइंग, और ऑप्शंस है अ लीनियर ग्राफ, अ हिस्टोग्राम, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को मीडियन निकालना होता है ग्राफिकली एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक क्लासेस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम लोग एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि एक ओजीव ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग ओजीव बोलते हैं, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बुलाया जा सकता है। इस केस में जो बाकी के ऑप्शन है लीनियर ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दे आर रॉन्ग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।